कॉमनवेल्थ गेम्स के दूसरे लिफ्ट के लिए आए हैं। बता दें आपको कि अगर ये सफल लिफ्ट होती है तो ये गेम्स रिकॉर्ड हो जाएगा जेरेमी लाल रिनुंगा का। चालीस की शिखर तय कर ली है। ये जबरदस्त वेटलिफ्टर है, ये आने वाले कल में भारतीय और विश्व वेटलिफ्टिंग की परिभाषा लिख सकता है। ये नौजवान भारत के सुंदर नॉर्थ ईस्ट से ताल्लुक रखता हुआ ये लड़का आज कॉमनवेल्थ गेम्स के मंच पर देश का नाम रोशन कर रहा है। 154 पर स्टार्ट करेंगे जेरेमी लाल रिनुंगा। ताशकंद में क्लीन जंप में 164 किलो उठा लिया था इन्होंने, 154 के साथ अब तैयार। ना सिर्फ तैयार बल्कि कामयाब सफल जेरेमी लाल रिनुंगा, तीन ग्रीन लाइट। क्या इन्हें चोट आई है? ये 14 किलो की लीड को अब 20 कर देते हैं। पूरा भारतवर्ष ने देख रहा है, 125 करोड़ भारतीय इस 19 वर्षीय नौजवान के कंधों पर। 160 किलो स्प्लिट जर्क, जबरदस्त कामयाब। सामने कोई भी चुनौतियों की चट्टान हो, जेरेमी लाल रिनुंगा अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, पूरी जान झोंक देंगे, पूरी ताकत सब कुछ। इनके शरीर का कण कण इस समय गोल्ड मेडल का सपना पूरा करने में लगा हुआ है। जेरेमी लाल रिनुंगा अब गोल्ड मेडल के प्रबल दावेदार है, कोई इन्हें रोकने वाला। क्रैम्प्स मनीष एक बार फिर से, मगर जेरेमी लाल रिनुंगा ने हर जुबान पर है। ये वो शख्स कद में छोटे लेकिन आज बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। देखन में छोटे लागे लेकिन वेट लिफ्ट करे गंभीर, भारत के वेट लिफ्टिंग सुपरस्टार पोस्ट बॉय, भारत की वेट लिफ्टिंग का वर्तमान और आने वाला कल, 19 वर्षीय कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट जेरेमी लाल रिनुंगा एक कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड के साथ आज खड़ा है 67 kg के इस कॉम्पिटिशन के शिखर पर। ये मुस्कुराहट गोल्ड मेडल की मुस्कुराहट है और ये तस्वीर हम जिंदगी भर याद रखेंगे। और अब भारत का राष्ट्रगान। तिरंगे की शान दिख रही है बर्मिंघम इंग्लैंड में इस 19 वर्षीय गोल्ड मेडलिस्ट की वजह से। ये मुस्कुराहट, ये आत्मविश्वास, ये नए भारत का प्रतीक है और आज इन्होंने एक और गोल्ड मेडल दिया है भारत को, जेरेमी लाल रिनुंगा। इनाम आगे आने वाले वर्षों में वेटलिफ्टिंग की दुनिया में इस नाम की गूंज कई बार सुनाई देगी। जो स्पिरिट, ये जो जज्बा है, ये खास बनाता है इस क्षण को, इस पल को। बहुत बहुत मुबारक भारत, बहुत बहुत मुबारक जेरेमी लाल रिनुंगा। बेहतरीन शुरुआत आज के दिन की हुई है जेरेमी लाल रिनुंगा द्वारा और उम्मीद है
और कई मेडल आज आने को है भारत को, सिर्फ वेटलिफ्टिंग में ही नहीं मगर आने वाले कई सारे इवेंट्स में।